अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेसन में मैंने आधा लेसन ये रीड करके दिया था आपको, वह तुम और मैं। ये लेसन हमने रीड किया था, है ना, यहाँ से पहला यहाँ तक, याद आया आपको। और इसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स भी करवाए थे। उम्मीद करता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी, उसको पढ़ा होगा, है ना। अब आगे का लेसन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो आप उंगलियाँ रखेंगे और रीड करेंगे, है ना, मेरे साथ रीड करने की कोशिश कीजिए मेरे बाद में। मैं लड़का हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं अशोक का मित्र हूँ, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं पापा को पत्र लिखता हूँ, हम दोस्त हैं, हम एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, हम बस से विद्यालय जाते हैं, यह मेरा घर है, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसमें मेरे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी रहते हैं, मेरी छोटी बहन रिया है, मैं रिया को बहुत प्यार करता हूँ, मैं मम्मी पापा का कहना मानता हूँ। इसके बाद का पेज लेंगे, आप भी पलटाइए पेज को, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, ठीक है, पढ़ेंगे। तुम आशा हो, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, देखिए, तुम आशा हो, तुम मेरी मित्र हो, तुम तीसरी कक्षा में पढ़ती हो, तुम समय पर काम करती हो। ये हमने रीड किया यहाँ तक, ठीक है, पूरा लेसन रीड हो गया है अभी। इसमें अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है मैं एक बार फिर से आपको रीड करके दे रहा हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं मनोज हूँ, है ना, मैं अशोक का मित्र हूँ, मित्र मतलब दोस्त, है ना, मैं अशोक का मित्र हूँ, मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, कक्षा कहते हैं क्लास को, है ना, जैसे आप क्लास में हैं अभी, थर्ड स्टैंडर्ड में हो आप, ए बी सी सेक्शन है आपके, है ना, तो कक्षा मतलब क्लास। मैं पापा को पत्र लिखता हूँ, पत्र हिंदी में कहते हैं लेटर को, खत को, ठीक है। हम दोस्त हैं, हम एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय मतलब स्कूल, विद्यालय का मतलब स्कूल। हम बस से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय स्कूल को कहते हैं। यह मेरा घर है, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसमें मेरे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी रहते हैं, मेरी छोटी बहन रिया है, मैं रिया को बहुत प्यार करता हूँ, मैं मम्मी पापा का कहना मानता हूँ। अगले पेज पे आइए। तुम आशा हो, तुम मेरी मित्र हो, मित्र मतलब मैंने पहले भी बताया, बोलिए दोस्त, है ना, फ्रेंड। तुम तीसरी कक्षा में पढ़ती हो, कक्षा फिर से आया है, कक्षा का मतलब बोलिए क्लास। तुम समय पर काम करती हो, समय मतलब टाइम, वक्त, वक्त पर काम करती, ठीक है। रीड कीजिए इसको, अब आप पूरे लेसन को रीड कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट अब इधर आ जाइए शब्द भंडार में। शब्द भंडार में क्या करना है, यहाँ पे सारे शब्द आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे इस तरफ जो है देखेंगे आप, ये लाइन में पूरे हिंदी में वर्ड्स दिए गए हैं, जबकि इस लाइन में आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करके दिया है, है ना बेटा। देखिए, लड़का बॉय, मित्र फ्रेंड, कक्षा क्लास, याद करना टू रिमेम्बर, कहना मानना टू ओबे, खाना खाना बनाना टू कुक, पत्र लेटर, धोना टू वॉश, जाना टू गो, दफ्तर ऑफिस, बड़ा बिग, बहन सिस्टर, प्यार लव, पार्ट लेसन। ये सारे जो है कठिन शब्द और उसके अर्थ दिए गए हैं। तो कठिन शब्द और अर्थ आपने क्या करना है कि इसको बुक पे जो है आपके हेडिंग डालनी है, है ना। लेसन का नाम है हमारा वह तुम और मैं, ये लेसन का नाम आपने आपके बुक के ऊपर हेडिंग डालनी है, और उसके बाद में जो है आपको ये जो शब्द है, शब्द भंडार, शब्द और अर्थ इस तरह से लिखना है, एक साइड में शब्द और एक साइड में उसके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो इतना आपने करना है। इसके बाद के लेसन में जो है इंशाल्लाह प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे इसके, ठीक है। इतना होमवर्क आप करके रखिएगा।